हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आपको मैं आज प्रैक्टिस सेट 15 करा रहा हूँ। जो दोस्तों देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 17 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था आर्मी जीडी टेक्निकल का, उसमें पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए, मैं इसको 5 से 7 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप देखिए, आप इसको आसानी से याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि आप इसको ईयरफोन लगा लीजिए कान में और आराम से, या तो आप सोते समय या कहीं जा रहे हैं घूमते समय, उस समय भी आप इसको प्रैक्टिस सेट को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, बिना किसी देरी किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रथम क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है हमारे नेपाल में पड़ता है, जो भारत का पड़ोसी देश भी है नेपाल, उसमें पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों दिया गया है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु में है। वाटरलू कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, वाटरलू कहाँ, ये अब की बार पूछा गया था, वाटरलू कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये वाटरलू बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा कि 1942 में, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अमीर खुसरो किस सम्राट का दरबार के कवि थे। अमीर खुसरो जो थे किस सम्राट के दरबार में कवि थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अलाउद्दीन खिजली के दरबार में ये कवि थे। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है दोस्तों। तो कावेरी नदी कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है कावेरी नदी। भीम का पूरा नाम क्या है दोस्तों। भीम का पूरा नाम क्या है। तो भारतीय इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो भीम यूपीआई जो दोस्तों नेट के द्वारा फोन पे या ये सब चलाते हैं, ये भीम के द्वारा, ये भारत इंटरफेस फॉर मनी, याद रखिएगा। जामा मस्जिद किसने बनवाया दोस्तों। जामा मस्जिद किसने बनवाया था। तो यहाँ हमारा हो जाएगा शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनवाया था। अम्बेडकर का एक सिद्धांत क्या था। भीमराव अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या था दोस्तों। तो यहाँ हमारा ऑप्शन था जाति का अभाव, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, जाति का अभाव। अभी स्मरणीय साहित्यक चरित्र स्वामी किसने बनाया था। अभी स्मरणीय साहित्यक चरित्र स्वामी किसने बनाया था दोस्तों। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा आर के नारायण, ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, आर के नारायण। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यहाँ राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय डेस में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यह हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे नई दिल्ली में है। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है दोस्तों। तो 35 साल होती है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, बहुत बार पूछा गया है, सिक्किम का राजधानी कहाँ है। तो गैंगटॉक। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। सामान्य विज्ञान देख लीजिए दोस्तों 15। सबसे भारी गैस कौन सी है। तो सबसे भारी गैस कौन सी है। तो रेडॉन जो है यहाँ सबसे भारी गैस है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैलिक अम्ल, याद रखिएगा मैलिक अम्ल। हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों देखिए, हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है। तो ए और सी दोनों, यानी कि विटामिन ए और सी दोनों होता है, याद रखिएगा। हरी सब्जी में विटामिन ए और सी दोनों होता है। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है। तो दोस्तों सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है। तो चूना पत्थर,
चूना पत्थर याद रखिएगा। घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता होगा ये घेंघा रोग कहाँ होता है, तो ये हमारे गला में होता है, तो जो गला को ही प्रभावित करता है। मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मोतियाबिंद भी आपको पता होगा ये किस अंग में होता है, तो आँख में होता है, तो ये आँख को ही प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखिए, बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस है। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है दोस्तों, VVI क्वेश्चन। तो बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। पृथ्वी कितनी गतियां करती है? पृथ्वी कितनी गतियां करती है दोस्तों, तो पृथ्वी दो गतियां करती है। दूध का शुद्धता मापने वाला यंत्र है दोस्तों, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो यह हो जाएगा लैक्टोमीटर। अमीबा किस विधि से जनन करता है? तो ये द्विखंडन विधि से जनन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको मैं 10 बार भी बता चुका हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO। आँखों से संबंधित विटामिन है, तो आँखों से संबंधित आपको पता होगा कि विटामिन ए जो है हमारे आँख के लिए सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रोटॉन डैश होता है, तो प्रोटॉन आपको पता ही होगा कि प्रोटॉन धनात्मक होता है। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु का रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, परमाणु का रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। 30 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है? तो इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है दोस्तों, तो ये अग्नाशय में स्रावित होता है। आई होप दोस्तों 30 क्वेश्चन आपने देखा, 15 विज्ञान और 15 जीके का। अब दोस्तों मैं आपको 20 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैथ और रीजनिंग का। दोस्तों देखिए 31 से 35 तक मैथ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 35 से 38 तक इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और 39 से 42 तक इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और 43 से 45 इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और 46 से 50 तक इसको भी रीजनिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों जब मैं आपको इसको बोर्ड पे कराऊंगा, तो आपको यहाँ देखिए आपको जो बन रहा है मैथ में और रीजनिंग में आप उसको बनाइए, और जो नहीं समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट में बताइए, या मैं जब बनाऊंगा बोर्ड पे तो आप वहाँ आकर के अपना आंसर मिला लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।